Hello everyone, welcome to Law Tech Coaching Classes. This is Chinu Sharma and today I am going to discuss next part, lecture number 3 from our important legislation, especially for Delhi Judicial Services Examination 2022. So we are going to discuss the Commercial Courts Act 2015 and today in this lecture we'll be focusing on a very important chapter, chapter number 3A, which has been inserted with 2018 amendment. Also, if you're visiting my channel for the first time, please do subscribe to it. So now we are going to start with chapter number 3 and the title is Specified Value. So as I have already told you in previous lecture also, that specified value term as it is has very important relevance in this whole legislation because jo 2018 ki amendment hui hai usme specified value ke upar alag se ek amendment ki gayi hai jo amount hai jitni amount ka jitni specified value ka case ek commercial court ne handle karna hai एक कमर्शियल कोर्ट में जा सकता है सो उस वैल्यू को चेंज किया गया है और उस वैल्यू में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज किया गया है पहले द वैल्यू वाज मिनिमम 1 करोड़ रुपीस सो जो भी सूट जो भी केस एक कमर्शियल कोर्ट कमर्शियल डिवीजन ने हैंडल करना था उसकी वैल्यू कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए थी बट आफ्टर 2018 अमेंडमेंट इस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया गया है नाउ The minimum value is rupees 3 lakh. So किसी भी केस की अगर सूट की वैल्यू 3 लाख है तो वो जो केस है कमर्शियल कोर्ट डील कर सकती है सो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखनी है सो नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर 3 चैप्टर 3 स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि जो हम ये स्पेसिफिक वैल्यू बोल रहे हैं 3 लाख मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको कमर्शियल कोर्ट में केस डालना है तो इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे अगर कोई इंटरेस्ट है तो क्या हम उस इंटरेस्ट को भी काउंट करेंगे वैल्यू हम किस दिन से शुरू करेंगे हम किस डेट को देखेंगे सो उसके लिए 4-5 मेन ग्राउंड्स हैं मेन डिटरमिनेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और ये अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं इनके केस सिनेरियोस अलग अलग हैं सो सेक्शन 12 चैप्टर 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू सो द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कितनी वैल्यू का कितने सब्जेक्ट मैटर का जो कमर्शियल डिस्प्यूट है किसी सूट में अपील में एप्लीकेशन में एक कमर्शियल कोर्ट डील कर सकती है शैल बी डिटरमाइंड सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आपको डिटरमाइन करना है यहां पर वर्ड शैल किया गया है इसका मतलब है जो 5 डिटरमिनेंट्स सेक्शन 12 में दे दिए उनके अब बाहर नहीं जा सकते सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है मैनर क्या होगा तरीका क्या होगा आपको कैसे डिटरमाइन करना है ए जहां पर रिलीफ है जो किसी सूट एप्लीकेशन में आप किसी पैसे की रिकवरी के लिए आपने सूट डाला है एप्लीकेशन डाली है तो वहां पर जो कॉम्प्यूटेशन होगी जो आप वैल्यू देखोगे उस वैल्यू में नंबर 1 इंटरेस्ट ऐड होगा सो इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2 आपने जिस दिन सूट एप्लीकेशन फाइल करनी है उस डेट तक कंप्यूट करना है कैलकुलेट करना है कि क्या विद इंटरेस्ट इसकी वैल्यू 3 लाख से ऊपर जा रही है तब आप उस सूट एप्लीकेशन को कमर्शियल कोर्ट में डाल सकते हैं वेरी सिंपल Where the relief sought in a suit or application is for recovery of money, पैसे की recovery, money जितनी आपने recover करनी है in suit application, inclusive of interest, इस चीज को आप अलग से highlight कर लो If any, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीकियां हैं एक बैर एक्ट की वही आपको exam में MCQ की form में दिखेंगी Computed up to the date of filing of suit application as the case may be shall be taken into account for determining such specified value. So first case ho gaya recovery of money ka. Number 2, jahan par movable property se related koi application hai, suit hai, appeal hai, ya aap us movable property ke upar apna koi right establish kar rahe ho, to wahan par जितनी वैल्यू जितनी मार्केट वैल्यू उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जिस दिन आप केस फाइल कर रहे हैं
उस दिन होगी, सो ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट अपील एप्लीकेशन, उसी डेट से आप डिटरमिन करोगे कि उस दिन जिस दिन आपने केस लगाया है कोर्ट में उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी है मूवेबल प्रॉपर्टी की। उससे पहले दिन तक चाहे 3 लाख से नीचे हो, उस दिन अगर उसकी वैल्यू 3 लाख से ऊपर है, मिनिमम 3 लाख है, तब आप उसको अच्छे से वैलिडली बिना किसी रुकावट के कमर्शियल कोर्ट में डाल सकते हैं। सो सेकेंड डिटर्मिनेंट हो गया, जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेगी। नंबर 3, जहां पर सूट एप्लीकेशन अपील इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या उसके ऊपर आप कोई राइट एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो सिमिलरली जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में हमें देखा था, सेम एज इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी जिस दिन आप सूट अपील एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। डी, फोर्थ डिटर्मिनेंट, जहां पर किसी इंटेंजिबल राइट के लिए आप सूट अपील एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो उस राइट की प्लेंटिव जितनी कैलकुलेट करेगा, जितनी एस्टिमेट करेगा, जितना अमाउंट का वो दावा करेगा, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन होगी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो मार्केट वैल्यू है उस राइट की, वो जितनी प्लेंटिफ अकेला एस्टिमेट करके सूट डाल रहा है, वो चीज कोर्ट ध्यान में रखेगी, वो डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा। सो वेयर द रिलीफ सॉट इन अ सूट अपील और एप्लीकेशन रिलेट्स टू एनी अदर इंटेंजिबल राइट, द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड राइट एज एस्टिमेटेड बाय प्लेंटिफ शैल बी टेकन इंटू अकाउंट फॉर डिटर्मिनिंग स्पेसिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे कि इंटेंजिबल राइट में क्या क्या आ सकता है। सो बेसिकली जो इंटेंजिबल राइट है, ये एक तरह का कमर्शियल राइट है, बिजनेस या कमर्शियल राइट की इसको नेचर दी गई है। सो इसमें जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसमें आते हैं कोई बिजनेस का क्लेम है, देन आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है। सो ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट आती हैं और इनके ऊपर भी आप अपना जो सूट डाल सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ कमर्शियल और बिजनेस राइट। नेक्स्ट इज एक और फिफ्थ डिटर्मिनेंट है काउंटर क्लेम का। सो जितनी भी क्लेम या काउंटर क्लेम की इकट्ठी टोटल एग्रीगेट वैल्यू होगी, और अगर उसमें से कोई सेट आउट करना है तो उस सेट आउट को निकाल के कोई भी जो काउंटर क्लेम की वैल्यू होगी तो वो भी डिटर्मिन की जाएगी। या जैसे अगर आर्बिट्रेशन हुई हुई है कमर्शियल डिस्प्यूट की, तो उसके लिए ये चीज देखी जाएगी कि वो जो आर्बिट्रेशन है वो कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन या फिर कमर्शियल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है या फिर नहीं। सो ये सारी जो चीजें हैं, जुरिस्डिक्शन बेसिकली ये डिसाइड करेगी, ये डिटर्मिनिंग फैक्टर होगी इन केस ऑफ काउंटर क्लेम। थर्डली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि कोई भी अपील या आप सिविल रिवीजन एप्लीकेशन सेक्शन 115 सीपीसी के अंदर नहीं डाल सकते। सेक्शन 115 डील करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रिवीजन के साथ। सो नो अपील सिविल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 115 शैल लाई, कहां से आप अपील सिविल रिवीजन नहीं डाल सकते, कोई भी अगर ये देखा गया कि जुरिस्डिक्शन थी कमर्शियल डिस्प्यूट की इस एक्ट के अंदर कमर्शियल डिवीजन कमर्शियल कोर्ट के पास, सो उस चीज को डिटरमिन करने के लिए, यहां पर जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करने के लिए आप अपील सिविल रिवीजन नहीं डाल सकते सेक्शन 115 के अंदर। सो यहां पर बार कर दिया है कि आप सीपीसी की हेल्प नहीं लोगे। सो अब आप दोबारा से देख लीजिए, ये आपके लिए चीजों को आसान बनाने के लिए, for the better understanding of section 12 you must go through these 5 determinants, because jo ye section hai 12 ye bahut hi zyada important section hai, you can take screenshot of this as well if you want to. So pehla determinant humne dekha tha recovery of money ka, dusra tha movable property, third one immovable, fourth intangible right, aur fifth tha counter claim. मूविंग फर्दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2018 की जो इम्पॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट हुई है इस कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में, उसमें एक पूरा का पूरा नया चैप्टर इंसर्ट कर दिया है।
हमें पता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, हम ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बिजनेस अपना बढ़ाएंगे, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतने ही ज़्यादा डिस्प्यूट आएंगी। सो फॉर द स्पीडी डिस्पोजल, बिना किसी रुकावट के, कि बिना किसी इकोनॉमी में रुकावट लाए बिना, अगर हमें केसेस को जल्दी सॉल्व करना है, जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, बिग बिजनेस हाउसेज है, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग रखनी है, तो उसके लिए हम अकेला कोर्ट्स के सहारे नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हैं, इतने केसेस पेंडिंग है, जजेस की कमी है। सो उसके लिए द नीड ऑफ द आवर इज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन। सो हमें पता है कि स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव में भी अगर हम देखें, चाहे फैमिली डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, सबकी पहली आजकल पसंद बनी हुई है मीडिएशन, कि बैठकर आराम से पीसफुली अगर कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है और कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, तो इससे और ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सो इसी चीज़ को देखते हुए आर्बिट्रेशन मीडिएशन की इम्पॉर्टेंस, नीड इन दिस ग्रोइंग इंडियन सिनेरियो, चैप्टर 3A को इस एक्ट में ऐड किया है 2018 की अमेंडमेंट के अंदर। सो जो ये पूरा नया चैप्टर है, इसका आपको नंबर याद होना चाहिए, जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में कौन कौन सी लेजिस्लेशन की बात की गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट, ये है टाइटल। पहले इस चैप्टर की हम रीडिंग करें, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर ने एक चीज कंपलसरी कर दी है। सो इस चैप्टर ने सीधा सीधा ये क्लियर कर दिया कि अगर आपका केस एमरजेंसी वाला नहीं है, आपको कोई इंटरिम, कोई जल्दी रिलीफ नहीं चाहिए, तो आप कमर्शियल कोर्ट में जाने से पहले, सबसे पहले मीडिएशन को फॉलो करेंगे, आप प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन रेमेडी को लोगे ही लोगे। सो ये चीज इन्होंने कंपलसरी कर दी है, मीडिएशन। सो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट, सो इसका मतलब है कि अगर आपका कोई भी केस इंटरिम रिलीफ वाला नहीं है, एमरजेंसी डिस्पोजल वाला नहीं है और दोनों पार्टीज मान रही हैं, तो आपके ऊपर एक कंपल्शन लगा दी कि सबसे पहले आप कोर्ट के बाहर बैठकर मीडिएशन करके शांति से एक दूसरे के सामने बैठकर एक थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर, जो थर्ड पार्टी एक वेल क्वालिफाइड है, लीगल बैकग्राउंड से है, जिसको एक प्रॉपर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, उसकी मदद से आप प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करके अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल थिंग टू रिमेंबर बिफोर मूविंग फर्दर विद द बेयर लैंग्वेज। सो नाउ लेट्स रीड सेक्शन 12A, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट। अ सूट विच डज नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट, सो यहाँ पर वर्ड अर्जेंट यूज हुआ है, इंटरिम रिलीफ, जिसको इस एक्ट के अंदर अर्जेंट इंटरिम रिलीफ नहीं चाहिए, शेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, आप कमर्शियल कोर्ट में इस एक्ट के अंदर वो केस फाइल नहीं कर सकते, सीधी बात बोल दी है, अनलेस, कब तक नहीं फाइल कर सकते, जब तक प्लेंटिफ ने प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर आप उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मीडिएशन को एग्जॉस्ट करे बिना केस फाइल कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते, आपका केस डील नहीं किया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मैनर प्रोसीजर नोटिफिकेशन के जरिए निकालता है, ऑथराइज करता है अथॉरिटीज को, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, कि वो प्रॉपर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का काम संभाले। वेरी सिंपल। सो इस एक्ट में, 2015 के एक्ट में एक और एक्ट की इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है। सो उस एक्ट का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, और इसकी इंपॉर्टेंस है
टू हैंडल प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, और ये जिम्मेवारी कौन दे रहा है? ये जिम्मेवारी दे रही है सेंटर की सरकार। किस केस के लिए? फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट। कौन से कमर्शियल डिस्प्यूट? जो अर्जेंट इंटरिम रिलीफ वाले नहीं है। वेरी सिंपल। इसको अगर आप एक स्टोरी की तरह समझोगे तो आपके लिए चीजों को समझना, याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in LSAA 1987, the authority authorized by central government under subsection 2 shall complete the process of mediation. अब इस subsection में time period बता दिया कि जो ये Legal Service Authority Act के अंदर authority mediation का काम करेगी, उसने ये काम कितने महीनों में complete करना है। So उसके लिए period है 3 months। ये time period भी बहुत ज़्यादा important है। इन केस जो मीडिएशन है वो पार्टीज की कंसेंट से डिले हो रही है, तो उसमें अगर दोनों पार्टीज मान रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा, वैसे इन्होंने बोल दिया है साफ शब्दों में कि आपको 3 महीने में मीडिएशन का काम पूरा करना है। इन केस कोई और प्रॉब्लम आती है तो पार्टीज की कंसेंट लेने के बाद, अगर पार्टीज चाहती हैं कि कोई बात नहीं, हम अपना केस आगे मीडिएशन से ही चलाना चाहते हैं, चाहे हमारा केस 3 महीने में नहीं सॉल्व हुआ, हमें कोर्ट्स के पास नहीं जाना, तो 2 महीने की और एक्सटेंशन मिल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैक्सिमम पीरियड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 मंथ्स, 3 मंथ्स जितने इस एक्ट में दिए हैं, प्लस 2 मंथ्स एक्सटेंशन। उसके लिए रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज की कंसेंट होगी। Provided further that period during which parties remain occupied with pre-institution mediation, such period shall not be computed for the purpose of limitation. So, Limitation Act 1963 के under अगर हम period को compute करे हैं, count करे हैं कि 3 महीने का बन रहा है, 2 महीने का, तो उसमें जितना time pre-institution mediation के काम की वजह से parties occupied रही हैं, उस time period को निकाल देंगे। If the parties to commercial dispute arrive at a settlement, the same shall be reduced into writing, shall be signed by parties. अगर इस mediation process में success आ जाता है, case solve हो जाता है, parties एक common settlement में पहुंच जाती हैं, agree कर लेती हैं, तो उस case में जो भी decision है उसको writing में लिखा जाएगा, उसके ऊपर parties के sign करवाए जाएंगे, और साथ ही जो mediator है third party उसके भी sign होंगी। So, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सो सबसेक्शन 5, सेटलमेंट अराइव्ड एट अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द सेम स्टेटस। जो डिसीजन मीडिएशन के जरिए आया है उसका जो स्टेटस है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो सेम होगी जैसे एक आर्बिट्रल अवार्ड की होती है। सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अंदर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वहां पर आपको अलग अलग से ऑप्शंस दी जाएंगी कि कमर्शियल कोर्ट के अंदर जो मीडिएशन होती है, उसका डिसीजन आता है, उसकी नेचर क्या होती है। सो वहां पर होगा डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड। सो आपको वहां पर टिक करना है आर्बिट्रल अवार्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज रिलेटेड टू अपील्स। अगर कोई पर्सन, कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन के केस से, तो उसकी अपील कहां पर जाएगी? सो इसके लिए चैप्टर 4 है, 2 सेक्शंस है, 13 एंड 14, जो डील करते हैं अपील से। पहला सेक्शन डायरेक्टली बात करा है कि जो भी कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन की डिक्री आएगी, डिसीजन आएगा, उसकी अपील कहां पर जाएगी। सो एनी पर्सन अग्रीव्ड By judgment order of a commercial court, कौन सी commercial court जिसका district judge के level से नीचे का level है, वो commercial appellate court में अपना appeal डाल सकते हैं। इस appeal के लिए time period कितना है, very very important thing to remember, जिसके exam में आने के बहुत high chances हैं। So that is 60 days. जिस दिन डेट, जिस दिन जजमेंट आ गई, ऑर्डर आ गई, जो डेट है जजमेंट ऑर्डर की, उस दिन से स्टार्ट होकर आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 60 डेज का। उस टाइम पीरियड में आप अपील फाइल कर सकते हैं। सो सीधा सा इसका कंसेप्ट है, कमर्शियल कोर्ट की अपील जाएगी कमर्शियल एपिलेट कोर्ट में।
If any person aggrieved by judgment order of commercial court, वो कमर्शियल कोर्ट जिसका लेवल डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर है या डिस्ट्रिक्ट जज का लेवल है और जहां पर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जा रही है या फिर कमर्शियल डिवीजन जो हाई कोर्ट की है उसका कोई डिसीजन है, तो इन दो केसेस में जो अपील है वो कमर्शियल एपिलेट डिवीजन में जाएगी। सेम जो टाइम पीरियड है वो कमर्शियल कोर्ट वाला ही है, 60 डेज का। Provided that an appeal shall lie from such order passed by commercial division or commercial court that are specifically enumerated under order 43 of CPC as amended by this act and section 37 of Arbitration and Conciliation Act 1996. So, इस order में और इस section में बात हो रही है appealable orders की, कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनसे आप अपील डाल सकते हैं। सो सिर्फ वही केसेस में जो अपील है वो फाइल होगी। Notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force or letters patent of High Court, no appeal shall lie from any order or decree of commercial court otherwise than in accordance with provision of this act. जो केसेस इस एक्ट में बता दिए सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस के बेसिस के ऊपर अपील डालोगे और किसी भी बेसिस के ऊपर, किसी भी प्रोविजन के बेसिस के ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 14, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ अपील। द कमर्शियल एपिलेट कोर्ट, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन। अब जो ऊपर वाला 60 दिनों का टाइम पीरियड है वो तो है अपील फाइल करने का। सेक्शन 14 बात कर रहा है कि जब अपील डाल दी कमर्शियल एपिलेट या कमर्शियल एपिलेट डिवीजन में, तब वो जो दो मेन कोर्ट्स हैं, डिवीजन है, उन्होंने कितने टाइम पीरियड में डिसीजन देना है अपील के ऊपर, डिस्पोजल कितने टाइम में होगा अपील का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए है 6 मंथ। द कमर्शियल एपिलेट कोर्ट एंड कमर्शियल एपिलेट डिवीजन शैल इंडेवर टू डिस्पोज। शेल इंडेवर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया है। सो इसमें सीधा सीधा जुडिशरी को एक बात कही जा रही है कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप 6 महीने में अपील का डिसीजन दोगे ही दोगे। टू डिस्पोज ऑफ अपील्स फाइल बिफोर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है अपील्स के ऊपर इसी एक्ट के अंदर। सो कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जजमेंट। इन रीसेंट जजमेंट इन कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड अनदर वर्सेस मेसर्स ओसीआई कॉर्पोरेशन एंड अनदर, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील आई। वो अपील सेक्शन 50 आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाई थी। सो वो अपीलेबल ऑर्डर्स के केस में नहीं आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया कि जो अपील आई है जो सेक्शन 50 के अंदर नहीं है, तो क्या वो मेंटेनेबल होगी सेक्शन 13(1) ऑफ 2015 कमर्शियल कोर्ट एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि जो ये अपील है ये इन्वोक आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिकली सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो ये कैटेगरी है अपील की, ये सेक्शन 50(1996) एक्ट के अंदर अपीलेबल ऑर्डर में नहीं आती। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। सो नाउ लेट्स लुक इनटू फ्यू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बाय दिल्ली हाई कोर्ट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू सेक्शन 12, उससे रिलेटेड जो आपने केसेस तैयार करके जानी है स्पेशली फॉर दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन, डेप्टी सेक्रेटरी वर्सेस भयाना बिल्डर्स 2018 का केस है, फोकस एनर्जी लिमिटेड वर्सेस रीबॉक इंटरनेशनल, जगमोहन बहल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, लक्ष्मी नारायण वर्सेस नवनीत एंड अदर, हिंदपाल सिंह जब्बल एंड अदर वर्सेस जसबीर सिंह एंड अदर, HPL इंडिया लिमिटेड वर्सेस QRG एंटरप्राइजेस। एंड इन 6 केसेस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं रीबॉक इंटरनेशनल एंड हिंदपाल सिंह जब्बल केस। नेक्स्ट कमर्शियल डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन का केस सेक्शन 12A चैप्टर 3A। सो ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप इस लेक्चर को सुनते सुनते ही, देखते ही आप ये चीजें
अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। सो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के केस है, MRMGF लैंड लिमिटेड वर्सेस आफ्ताब 2019, ये जो रीसेंट वाले केस है ये तो आपको 100% तैयार करके जाने हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बिहार राज्य भूमि, MK फाइनेंशियल सर्विस केस, देन दिल्ली हाई कोर्ट के केस है, गैमन इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, SSIPL, एस्टॉन फाइल्ड रिन्यूएबल्स, ये आपके लिए मेंस में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देन कृष्ण राधू वर्सेस MRMGF कंस्ट्रक्शन, और इसमें ये 2020 का गैमन इंडिया लिमिटेड वाला केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन वर्सेस देवास मल्टीमीडिया ब्रह्मपुत्रा क्रैकर, ये सारे केस दिल्ली हाई कोर्ट के हैं एंड ऑल आर रिलेटेड टू कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड द हेड इज आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। सो स्पाइस जेट सिस्टा अनदर इंपॉर्टेंट केस, GMR Energy, Benara Bearings and Piston, Simplex Infrastructure Limited, Vedanta. Then we have NHPC Limited versus Jay Prakash Associate, Rajasthan ka ye case hai, Rajasthan High Court ka. So this is also very important. So this was all about lecture 3rd. In next lecture 4th, I'll be covering the remaining part of this legislation. So this was all about today's lecture. I hope you liked the video and understood all concept well. If you have any query or you want to suggest any other topic for me to take up first, you can send email on lawtechcoaching@gmail.com or you can comment below my videos. Please do support to my channel, subscribe it, share it with your friends and family. Thank you and good luck.